स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द चैप्टर नेम इज नाउन. बेटा आज हम आपका इंग्लिश नाउन का फोर्थ चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और जिसका नाम है आपका नाउन. व्हाट इज नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, पहले इसको डिस्कस कर लेंगे. जस्ट एग्जांपल, यू हैव अ नेम, आपका एक नाम है. आई हैव आल्सो अ नेम, मेरा भी एक नाम है. एग्जांपल जस्ट लाइक आई एम कृष्णा, योर नेम इज रोहन, सोहन, एटसेट्रा, सोना वगैरह. आपका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है. फिर एक और थिंग, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव? तो यू लिव इन लखनऊ. सेकंड क्या, थर्ड क्वेश्चन, डू यू हैव एनी पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? तो आप बोलेंगे यस और नो. अगर है तो इट इज और मे बी डॉग, कैट, बर्ड्स एक्सेट्रा. तो कोई ना कोई आपके पास बर्ड्स या फिर एनिमल्स से रिलेटेड कोई ना कोई पेट है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है. उसी के साथ साथ बेटा, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ भी बैठे हैं, प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ भी हैं, तो आप अपने आस पास अपने सराउंडिंग्स में देखिए कि क्या है. कोई ना कोई चीज़ आपके सामने रखी है और हर चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम है. तो पर्टिकुलर नाम हमने क्यों रखा है? क्योंकि हम उसको उस नाम से बुला सकें. तो डेफिनेशन देखिएगा आप, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी कि नाउन क्या है? नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या फिर किसी भी थिंग्स का, यानी किसी भी वस्तु का नाम. ये सारी चीजें हैं हमारी, हर किसी चीज का कुछ ना कुछ नाम है. उसी से रिलेटेड अगर हमने एक एग्जांपल ली है, पर्सन ने हमने लिया है रोहन, प्लेस ने हमने लिया है लखनऊ, एंड अभी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, थिंग नेम इज फेंसिंग, एंड द लास्ट एग्जांपल, एनिमल नेम इज डॉग. मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ले लिया. अगर आपको पर्सन ने कोई और भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, प्लेस ने भी ऐड कर सकते हो, फेंसिंग भी और डॉग. अब हम आते हैं एग्जांपल्स में. पर्सन नेम से बहुत सारे, जैसे आपके मदर, फादर, दादा, दादी, सिस्टर, ब्रदर, सबके कुछ ना कुछ नाम होगी. तो बेटा हर किसी पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है, और दीज नेम्स आर आल्सो कॉल्ड आर नाउन. ये सारे नाम है हमारे, नाउन में ही आते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लेस. यू प्रेजेंट टाइम यू लिव इन लखनऊ. आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं. लेकिन आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ आपके बाहर भी रहते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ दूसरी सिटीज में रहते हैं, यहाँ तक की कंट्रीज में रहते हैं. उसके साथ ही साथ एक और चीज, आप स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं किसी काम से, बैंक जाते हैं आपके पेरेंट्स, उस कंडीशन, ये सारे वर्ड्स भी आपके बेटा नाउन में आते हैं. और वो नाउन कौन से होते हैं? आपके प्लेस में आते हैं, यानी कि बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे प्लेसेस नेम है. तो प्लेसेस नेम उनका रखा गया. हमने यहाँ स्कूल को हम हॉस्पिटल तो कह नहीं सकते, हॉस्पिटल को ही हॉस्पिटल कहेंगे और स्कूल को भी स्कूल कहेंगे. सो द प्लेसेस नेम आल्सो कॉल्ड अ नाउन. नेक्स्ट एग्जांपल इज थिंग. थिंग, आई एम टेकिंग अ पेंसिल. मैंने क्या लिया एग्जांपल? पेंसिल. लेकिन आपके पास बहुत सारी ऐसे आसपास चीजें होंगी जिनका कुछ ना कुछ नाम होगा. उसमें आपकी टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, बेड हो सकता है. ये सारी चीजों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिनकी वजह से हम उनको नाम से ही पुकारते हैं. अगर हम उनसे किसी से भी पर्सन से प्लीज गिव मी, गिव मी, तो वो क्या बोलेंगे, क्या दे दूँ? तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी पेंसिल, प्लीज गिव मी इरेजर. तो आपने कुछ नाम बताया ना उस चीज का, तो उस जो हर किसी चीज का नाम होता है, एवरीथिंग से हाउस कॉल्ड अ नाउन. नेक्स्ट एग्जांपल, एनिमल नेम. एवरी एनिमल हैज अ नेम, ईच एनिमल हैज अ नेम. हर एनिमल का अपना कुछ ना कुछ नाम है. एनिमल, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, कैमल, एंड बर्ड्स ऑल्सो हैव अ नेम, जस्ट लाइक पिजन, पैरट. यानी कि बर्ड्स के भी अपने नाम है और एनिमल्स के भी अपने नाम है. तो इसलिए ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स नेम हमारे नाउन में ही आते हैं. इस तरह से हमारी डेफिनेशन डिफाइन हो जाती है ना कि नेम, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑल लिविंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. यानी कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन्स. क्या कहलाते हैं बेटा? नाउन्स. अगर एग्जाम्पल लिया आपने पर्सन नेम की वजह से, आपके आपके फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे पर्सन के नाम होंगे, वो एग्जाम्पल हो गए. प्लेसेस नेम में मैंने आपको जैसे अभी अभी एग्जाम्पल दिया, बैंक, हॉस्पिटल, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, ऑल्सो रिलेटेड टू प्लेसेस. थिंग्स नेम इज जस्ट लाइक वन मोर एग्जाम्पल, ब्लैकबोर्ड. ब्लैकबोर्ड एक चीज है, एक थिंग का नाम है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू नाउन. डॉग, एनिमल, मैंने डॉग लिखा है, आप कैमल भी ले सकते हैं, एलिफेंट भी ले सकते हैं. तो एनिमल्स नेम भी हमारे इसमें आते हैं, नाउन्स में. ये सारे बेटा आपकी आपकी बुक में भी ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं. पेज नंबर आपके 50, 40, देखिए 30 पे आपके पर्सन नेम दे रखे हैं, आपके 14 पे नेम ऑफ प्लेसेस दे रखे हैं, एंड 15 पेज नंबर आपके नेम ऑफ थिंग्स हैं, एंड द लास्ट वन इज 16 पेज नंबर नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. इसमें आपके एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दे रखे हैं बेटा. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल, अगर आप इनको बुक में पिक्चर से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर हमने डेफिनेशन एक आपको लिखवाई हुई है, आपको अपने बेटा फेयर कॉपी में करनी है, एज इट इज करनी है. पर्सन नेम, अगर आपको कोई पर्सन नेम कोई अलग से लिखना है तो आप मेंशन कर सकते हैं. प्लेस नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं. चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा.
नेक्स्ट है आपका बेटा 17 पेजों पे, जैसे मैंने अभी शॉर्ट सी डेफिनेशन बताई, ऑल लिविंग वर्ड्स आर फाउंड, यानी कि आपने देखा हर किसी चीज का, हर किसी इंसान का, हर किसी बर्ड का अपना अपना एक नाम है, तो ये सारे नाम भी हमारे किस में आते हैं, नाउंस में आते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी एक बेटा रिलेटेड है 18 पेज नंबर पे, लुक एट द पिक्चर्स, तो पिक्चर्स दे रखी है और कुछ नाम भी दे रखे हैं पिक्चर्स के, जैसे कि आपका कैमल टीचर, अगर कैमल पिक्चर तो आप किस कैटेगरी में रखेंगे, आप क्या किसमें लिखेंगे, आप एनिमल में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टीचर, टीचर किसमें, पर्सन नेम में आएगा, पर्सन में लिखेंगे हम उसको। फिर नेक्स्ट है पोस्टमैन, पोस्टमैन भी पर्सन में आएगा, कब, एक चीज, ठीक है, वो किस में आएगी, वो हमारी थिंग्स नेम में आएगी। तो इस तरह से आपके बुक में ही कॉलम दे रखे हैं और ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है बेटा। और नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज बी, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन इज करना, यानी कि कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, उसमें नाउन क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आपको क्या नाम लगता है, क्या इस सेंटेंस में किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, सेंटेंस है अ प्लेस नेम, थिंग्स नेम और अ पर्सन नेम, तो उस नेम को आपको साइड पे जो कॉलम बना हुआ है, लाइन ड्रॉ है, वहां पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पुट इन द मिसिंग लेटर, लेटर और लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ एनिमल। सी एक्सरसाइज रिलेटेड टू एनिमल नेम, सी एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है एनिमल्स नेम पे, जस्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एल डैश डैश एन आर ओ ए आर, तो इसमें लॉयन और उसमें आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग फिल करना है। फर्स्ट है आपका द डैश क्रोज इन द मॉर्निंग, क्रोज कौवा कब बोलता है, सुबह बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सनराइज। नेक्स्ट है आपका द डैश स्विम इन द पॉन्ड्स, डक क्या कर रही है, तैर रही है, तो आपको यहाँ पे डक लिखना हो। इसी तरह की कई एक्सरसाइजेस है वो आपको अपनी बुक में फिर करनी है और ये एक्सरसाइज आपको फिल करके अपने बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है। अगर फिर आप एनी कंफ्यूजन काइंडली आस्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। क्लास फर्स्ट इंग्लिश मीडियम, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू क्लास।